कैटिकोलामीन्स की डिग्रेडेशन, इसमें क्या आ जाएगा? सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एपिनेफ्रीन और नॉरएपिनेफ्रीन की डिग्रेडेशन। इसमें ना दो स्टेप्स होने, एक ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन होगी और दूसरा ऑक्सीडेटिव मिथाइलेशन होगी। कोई सभी पहले हो सकता है, ठीक है। जब भी हम लोग एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन और डोपामिन की डिग्रेडेशन पढ़ेंगे, उन दोनों, इन तीनों में ये दोनों स्टेप होंगे, यानी कि ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन और ऑक्सीडेटिव मिथाइलेशन। कोई सभी पहले हो सकता है। जिस तरह यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पहले क्या हुआ है, ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, और ये क्या बनाया, डाईहाइड्रोक्सीमिंडेलिक एसिड। डाईहाइड्रोक्सीमिंडेलिक एसिड पे जब कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज एक्ट किया और वेनिलाइल मैंडेलिक एसिड बनाया, और यहाँ पे पहले कौन सा स्टेप हुआ है, ऑक्सीडेटिव मिथाइलेशन, कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज एक्ट हुआ है, और ये इसने एपिनेफ्रीन को मेटानेफ्रीन में कन्वर्ट कर दिया, और नॉर एपिनेफ्रीन को नॉर मेटानेफ्रीन में कन्वर्ट किया, ठीक है। मेटानेफ्रीन और नॉर मेटानेफ्रीन जो है ना, इस पर अब ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन हुई है, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मोनो अमाइन ऑक्सीडेज और वेनिलाइल मैंडेलिक एसिड बना, ठीक है। अब डोपामीन जो है उसके ऊपर अगर हम लोग पहले कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज एक्ट करवाएँ तो ये क्या बना देगा, थ्री मिथॉक्सी टायरामीन, और फिर इसके ऊपर मोनो अमाइन ऑक्सीडेज एक्ट करेगा तो ये होमो वेनिलिक एसिड बना देगा। ये बना रहा था वेनिलाइल मैंडेलिक एसिड और डाईहाइड्रोक्सीमिंडेलिक एसिड वेनिलाइल, और ये देखो डोपामीन जो है ना, डोपामीन के ऊपर मोनो अमाइन ऑक्सीडेज एक्ट होगा तो डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड, थ्री मिथॉक्सी टायरोसिन डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड, और ये होमो वेनिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा।